दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्पूकी स्टोरीज हिंदी में। आज मैं आप लोगों को एक मुर्दा घर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ पुलिस वालों ने ना जानते हुए एक शैतान की लाश लाते हैं। ये कहानी एक वॉचमैन और मुर्दा घर के एक डॉक्टर की है, जो इस कहानी में मेन किरदार है। हमारे इंडिया के लखनऊ शहर में एक ऐसा मुर्दा घर है जो सच में हॉन्टेड है। मोस्टली कुछ सालों पहले ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी जितना अब पता है। ये डॉक्टर इस मुर्दा घर में तकरीबन 2 सालों से काम कर रहा था, लेकिन उसका शिफ्ट हमेशा मॉर्निंग वाला पार्ट था। इसका मतलब ये नहीं कि रात के शिफ्ट वाले डॉक्टर कुछ कंप्लेन करते। सब नॉर्मल चल रहा था उस दिन तक। तो हुआ क्या, उसे एक दिन में एक ऐसा घिनौने आकार में लाश लाया गया जो डॉक्टर बुरे से बुरे हालत वाले लाश का पोस्टमार्टम करते हैं वो भी डर गए। मैं लाश का विस्तार नहीं दे सकता कॉज ऑफ रेगुलेशंस, बट वो लाश सच में बहुत ज़्यादा डरावनी थी। वो लाश एक लड़के की थी। आफ्टर पोस्टमार्टम जाना गया कि वो लड़का लगभग 20 साल का था, और पुलिस के मुताबिक वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। तो जैसा मैंने कहा कि वो डॉक्टर तो डर गया पोस्टमार्टम करने से, तो अब उसका पोस्टमार्टम रात को होना था, और एज़ फॉर पनिशमेंट उस डॉक्टर को रात में असिस्ट करना था। उस लड़के का पोस्टमार्टम 3 घंटों तक चला। इसके बीच उस मॉर्निंग शिफ्ट वाले डॉक्टर ने 2 बार उल्टियाँ भी की, और इतने समय तक चलने का कारण था कि उसका ब्रेन का मोस्ट पार्ट गल के निकल चुका था। सॉरी टू से बट इट्स टू क्रीपी एंड मोस्टली ट्रॉमेटिक टू सी। तो उस डॉक्टर का क्या हालत हुआ होगा समझा जाता है। उस लाश का ठीक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर फेस स्ट्रक्चर। फिर वापस से उस लाश को बाकी लाशों के साथ मुर्दा घर में रख के वो डॉक्टर्स चले गए। लेकिन उस रात जो वॉचमैन राउंड में था, उसने बहुत अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें बताई, लाइक उसके पीछे बार बार पैरों की आवाज़ें आना, अचानक एक लड़के की चीखने की आवाज़, एंड जो सबसे ज़्यादा डरावनी थी वो है उस गार्ड को ऐसा लगा कि वही लाश हिल रहा था, क्योंकि वो जिस आकार में लाया गया था वो किसी भी तरह से हिल तक नहीं सकता। ऊपर से उस लाश को स्पेशली रैप किया गया था लाइक अ ममी। वो गार्ड को अजीब से सपने आने शुरू हो गए उस रात के बाद। वो गार्ड वापस काम पे कभी नहीं आया। इवन कोई तो ये भी बोलता है कि वो इंसान लखनऊ शहर छोड़ के चला गया। फिर जब सुबह को डॉक्टर्स आए तो देखा कि वो गार्ड सही बोल रहा था। उस लाश का रैपिंग पूरी तरह से फाड़ चुका था और वो उसी आकार में दिखाई देने लगा था। सब डर गए और रात को उसी मुर्दा घर में रहने का सोचे। उसके बाद उस रात वापस जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। तो दोस्तों, ये कहानी अधूरी है और इसका पार्ट 2 जल्द ही मेरे चैनल में आएगा। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना।